हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं, कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय इतिहास को तो हमने लगभग सारा ही पढ़ चुका है। और भाई यहां हम बात कर रहे हैं कुछ तथ्यों की, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, छोटे छोटे हो सकते हैं, एक साथ मैंने इकट्ठे करके लाया हूं। तो भैया इस वीडियो में हम बात करेंगे जो विदेशी मतलब विदेशों से आए हुए यात्री हैं, विद्वान हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी हुई है, जिसका महत्व हमें इतिहास में बहुत जरूरी है और उनके जो विवरण है इसी के कारण तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है इतिहास की। तो इन ग्रंथों का संबंध जिस कालक्रम से है, मतलब उन विदेशी विद्वानों का संबंध कब से है, वो किस समय काल से है और किस देश से संबंधित है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया तेजी में। यहाँ पे हम देख रहे हैं मिलेट्स को। किसको? मिलेट्स। ये विद्वान है, यूनानी विद्वान है भैया, ठीक है, यूनानी विद्वान है और इन्होंने ज्योग्राफी की रचना करी हुई है 550 ईसा पूर्व के लगभग की बात चल रही है। 550 ईसा पूर्व लगभग कंफर्म नहीं है, ईसा पूर्व है ना, 550 से 2500 साल पहले, 2700 साल पहले। हेरोडोटस ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनानी है ये भी और हिस्टोरिया, क्योंकि हिस्टोरी का ही है जो हिस्ट्री के बारे में एक ग्रंथ है जिससे ही शुरुआत, इसीलिए इनको हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। 476 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने हिस्ट्री को क्रमबद्ध लिखने की कोशिश करी थी पहली बार। कैसियस पर्शिया के निवासी हुआ करते थे और इन्होंने इंडिका की रचना करी हुई है 425 ईसा पूर्व के आसपास। एरिस्टोबुलस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनानी विद्वान रहे हैं, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ द वॉर लिखी हुई है 326 ईसा पूर्व के आसपास। ये भैया सिकंदर का समय काल है, इन्हीं के साथ ये हुआ करते थे विद्वान, ठीक है। ओनेसिक्रेटस ये भी यूनानी ही है, सिकंदर की जीवनी इन्होंने लिखी, उनके साथ ही रहा करते थे, 326 ईसा पूर्व के आसपास का इनका समय काल माना जाता है। मेगस्थनीज को तो आप जानते ही हैं, फिर भैया ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, यूनानी व्यक्ति तो थे ही, ये राज दरबार में राजदूत बन के आए थे, किसके? मौर्य साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य के। इंडिका की इन्होंने रचना की हुई है 305 से 297 ईसा पूर्व के आसपास का ये समय माना गया है। पेट्रोक्लीज ये सीरिया के विद्वान हुआ करते थे भैया, पूर्वी देशों का भूगोल इन्होंने लिखा हुआ, पूर्वी देशों का, ठीक है, 250 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, ये लगभग लिखा हुआ है ना, याद रखना। चले एलियन वो वाले एलियन नहीं है जो विदेश से आते हैं, है ना, ये एलियन विद्वान का नाम है, यूनानी व्यक्ति है, इनका नाम है अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री की इन्होंने रचना करी हुई है, 100 ईसा पूर्व के आसपास की ये रचना मानी जाती है। स्ट्रैबो की हम बात करें, स्ट्रैबो बोला जाता है इनको, ये भी यूनानी साहित्यकार हैं और ज्योग्राफी की इन्होंने रचना की हुई है, 100 ईसा पूर्व के आसपास की बात यहाँ पे है। तो स्ट्रैबो की याद रखना है, प्लिनी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्लिनी यूनानी ही विद्वान है ये और नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई है, 77 ईसा पूर्व के आसपास की रचना मानी जाती है। अज्ञात नाविक है मतलब अनोनमस है ना, सेलर, तो भैया ये यूनानी व्यक्ति हैं, इन्होंने पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की रचना करी हुई है, जो कई बार टॉलेमी के विवरण में उसकी बार बार जानकारी मिलती है। 80 से 115 ईसा पूर्व के आसपास की ये रचना मानी जाती है, जिसमें भारत के प्रमुख बंदरगाहों की और भारत के उस समय की स्थिति के बारे में बताया है। सो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ठीक है, ये अज्ञात नाविक, पता नहीं है कौन है, नॉर्मस टॉलेमी बोला जाता है कई बार, बाकी देखते हैं, है ना। अगेन एरियन भी यूनानी विद्वान है, जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण की पूरी जानकारी लिखी हुई है, 100 से 120 ईस्वी के आसपास ये पूरी जानकारी उन्होंने दी हुई है। टॉलेमी इंपॉर्टेंट, रोम के निवासी हुआ करते थे, इटली के निवासी थे ये, ज्योग्राफी की इन्होंने बात की हुई है, 150 ईसा पूर्व में ये इन्होंने रचना की हुई है, इसी किसी समय भाई 150 और 115 के आसपास का जो समय काल है इनके आसपास का माना जाता है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में भी बहुत सारा जिक्र मिलता है ज्योग्राफी का, तो इनकी रचना मान लिया जाता है, लेकिन अज्ञात है वो अभी भी कि किसने लिखी हुई, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। रचना तो मतलब यात्रा तो उन्होंने भी करी थी। फाहियान की हम बात करें तो फाहियान तो हम पता ही है, चीनी यात्री हुआ करते थे, फाहियान की जो यात्रा है उसका यात्रा वृत्तांत इन्होंने किया हुआ है, 399 से लेके 414 ईस्वी के आसपास, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे उनके दरबार में ये आए थे भारत की यात्रा करने। कॉस्मोस के बारे में यूनानी विद्वान है और इन्होंने क्रिश्चियन टोपोग्राफी की
पूरी जानकारी दी हुई अपने ग्रंथ में, ठीक है। 535 से 547 ईस्वी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। हुएनसांग पायान के बाद दूसरा चीनी यात्री है हुएनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में चाइना से आए थे। सी यू की इनकी रचना है जिसमें इन्होंने अपना पूरा यात्रा वृत्तांत बताया हुआ। 629 से 644 के आसपास 15 वर्षों का शासन मतलब जो यात्रा है इन्होंने की हुई थी भारत की। कूली ये चीन के हुआ करते थे। हुएनसांग की जीवनी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, उसमें भी पूरी जानकारी जो है इनकी यात्रा वृत्तांत की मिल जाती है। 675 से 685 के आसपास का ये समय काल है। इत्सिंग ये अगले और आखिरी चीनी यात्री है जो इंपॉर्टेंट है, चीन के ही थे। भारत और मलाया द्वीपों में प्रचलित बौद्ध धर्म की इन्होंने पूरी जानकारी जो है अपनी लिखी हुई है इस ग्रंथ में। 675 से 695 20 सालों तक ये इसकी रचना मारी। इब्रे खुर्दादब ये अरब के निवासी हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने किताबुल मयालक बल ममालिक इसकी रचना की हुई है 864 ईस्वी में। इसके अलावा और अलविरादरी की अगर हम बात करें तो अलविरादरी भी अरब के निवासी हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे। फुतुहाते बुल्दान की इन्होंने रचना की हुई है 885 से 892 ईस्वी की ये रचना मानी जाती है। अल मसूदी भी अरब के निवासी हुआ करते थे, है ना, विद्वान थे भैया। और मुजलुल जहान की इन्होंने रचना की हुई है 915 से 916 के आसपास के समय में। अल बरूनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि महमूद गजनवी के साथ ये आए थे भारत, है ना, गजनी के निवासी हुआ करते थे। तहकीक हिंद की इन्होंने रचना की हुई है 1000 से 1030 के आसपास का समय माना जाता है। अल इदरीसी ये भी अरब के निवासी थे, विद्वान थे भैया, और इन्होंने नुज हजुल मुस्ताक की रचना की हुई है, 11वीं शताब्दी का ये ग्रंथ माना जाता है। अल बहरी अरब के निवासी और विद्वान ये भी थे। तारीख मसूदी की इन्होंने रचना करी हुई है, 11वीं शताब्दी के आसपास का ये समय काल माना जाता है। अल डमरी मेरे ख्याल से अल जमरी है वो, और अरब के निवासी हैं, विद्वान भी हैं। इन्होंने मसालिक अल आब मामलिक उल अमसार इसकी रचना करी हुई है, 1185 ईस्वी के आसपास की रचना मानी जाती है। और ये सारे विद्वान हो गए, इनके देश हो गए, विदेशी विद्वानों की हम बात कर रहे थे, देश हो गए और उनका संबंधित समय काल जो है उसकी हमने चर्चा कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।